चलिए बच्चों, अब हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का एक टॉपिक करेंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट प्लस टू क्लास में भी, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, एक प्रश्न 100% श्योर आता है। और ग्रेजुएशन लेवल पर अगर हम बात करें तो बीकॉम में भी यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास बनता है। अब हम इस टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ आता है वो होता है 111 कंसेप्ट। यानी आपके पास दो तरह से 111 दे सकता है। एक जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ, ये 111 ऐसे भी हो सकता है। यही प्रश्न मैं इस प्रकार से भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। अभी दोनों क्वेश्चन के अंदर जो अलग चीज है वो ये है कि यहाँ पर जो 111 है वो कॉलम फर्स्ट में है और यहाँ पर जो 111 है वो फर्स्ट रो के अंदर है। आपने क्या देखना है, अगर वो कॉलम में 111 है तो ये ऑपरेशन आप याद रख लीजिए। सभी क्वेश्चन में जब भी आपको कॉलम में 111 देगा तो आपके सभी प्रश्नों में, सभी क्वेश्चन में यही ऑपरेशन आप लगाएंगे। आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन। आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस आपने क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि 111 यहाँ है। अगर यही 111 रो में दिया होता, वो फर्स्ट रो में हो, सेकंड रो में हो या थर्ड रो में हो, यहाँ पर भी मैं बात करूंगा वापिस कि फर्स्ट कॉलम में 111 हो, सेकंड कॉलम में 111 हो या थर्ड कॉलम में 111 हो, आप कहीं भी अगर आपके पास कॉलम में 111 है तो यही प्रश्न चलेगा। इसी प्रकार अगर आपके पास 111 रो में है, वो फर्स्ट में हो, आइदर सेकंड में हो और थर्ड में हो, आपके पास ऑपरेशन यही रहेगा, लेकिन रो की बजाय वो कॉलम में आ जाएगा। सी टू चेंज टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री चेंज टू सी थ्री माइनस सी वन। अब देखिए, हमने ऑपरेशन लगाया आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस आर वन। अब मेरे पास आर वन के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगाया गया है, मैंने सबसे पहले आर वन को एज इट इज लिख दिया। आर टू के ऊपर ऑपरेशन लगा आर टू माइनस आर वन, तो वन में से वन जीरो, बी माइनस ए लिख दिया, बी स्केयर माइनस सी स्केयर भी हमने लिख दिया। फिर आर थ्री माइनस आर वन, सो वन माइनस वन अगेन जीरो, सी माइनस ए सी स्केयर माइनस ए स्केयर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वन ए ए स्केयर, हमने दोबारा रिपीट किया, जीरो एज इट इज, बी माइनस ए एज इट इज, बी स्केयर माइनस ए स्केयर। फॉर्मूला है बी माइनस ए और बी प्लस ए हम लिख लेंगे, सी स्केयर माइनस ए स्केयर को अगेन हम सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख देंगे। यहाँ के बाद ध्यान से देखिए आर टू और आर थ्री में से बी माइनस ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी माइनस ए कॉमन एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। कॉमन लेने के बाद हमारा अंतिम स्टेप होगा एक्सपेंड, और एक्सपेंड जब भी करते हैं तो हम नंबर ऑफ जीरो देख लेते हैं, जहां भी दो जीरो इकट्ठे हैं तीसरे नंबर से हम एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद सी प्लस ए पहले लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस ए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल, हमारे पास बचा सी माइनस बी। यहाँ के बाद बच्चों आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर है वो नीचे लिख देना है। बी माइनस ए आपका ऑटोमेटिकली ए माइनस बी हो जाएगा, अगर हमें चेक भी करना हो तो यहाँ से माइनस कॉमन आया है और अगेन यहाँ से माइनस कॉमन आके दोबारा प्लस हो चुका है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन होगा, केवल जो ऑपरेशन यहाँ रो में चले हैं, जो काम हमने रो के लिए किया है वही सेम हम कॉलम के लिए करेंगे। अब जो दूसरा कंसेप्ट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर, हमारा अगला जो टाइप है उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ क्या था 111 आपके पास पहले ही था, यहाँ पहले 111 नहीं होगा। आपको क्वेश्चन को देखना है और ये पहचानना है कि उसमें हम 111 कैसे बना सकते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो में से ए कॉमन हमें दिखाई पड़ रहा है, ए कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो में से बी कॉमन है हमारे पास और थर्ड रो में से हमारे पास सी कॉमन है, और जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास 111 आ गया। यहाँ ए बी और सी, यहाँ ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, वही क्वेश्चन है सेम, एक स्टेप एक्स्ट्रा चला, एक ऑपरेशन हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पर बना।
मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें डायरेक्टली कॉमन नहीं आएगा, हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के बाहर स्टार्टिंग में लिखेंगे एबीसी अपॉन एबीसी और ऊपर जो एबीसी है उसे क्वेश्चन के अंदर ले जाएंगे और डिनोमिनेटर में जो एबीसी से बाहर ही रखेंगे। अंदर जब लेके जाएंगे तो स्पेशल प्रोसेस में इसको मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमें लग रहा है कि कॉलम फर्स्ट को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बनेगा, ए स्क्वायर एंड ए बी सी, इसे बी से करते हैं, बी क्यूब बी स्क्वायर ए बी सी, और इसे सी से करते हैं, सी क्यूब सी स्क्वायर एंड ए बी सी। इसके बाद ध्यान से देखिए रो थ्री में से एबीसी हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन लेंगे एबीसी अपॉन एबीसी और आपके पास स्टेटमेंट बन गई ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वन वन वन, और जो एक्स्ट्रा वर्क क्वेश्चन का था वो खत्म हुआ। अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिंपल है और हमारे पास वन 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 आ चुका है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर वन 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 हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास रो थ्री में आया है तो ऑपरेशन हमारे पास करेगा सी टू चेंज टू सी टू माइनस सी वन और सी थ्री चेंज टू सी थ्री माइनस सी वन। इस ऑपरेशन के बाद आपके पास दो जीरो आ जाएंगे, आप कुछ कॉमन निकालेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वापिस उसी तरह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।